सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी का, स्पेशली पाकिस्तान या बरसगीर का ही आप ले लें, कि हमने अपनी जिंदगी देख के हम जीते नहीं, हम दूसरों को देख देख के जीते हैं। हमारे घर में 10 रुपए नहीं होते, हम 100 वाले को देखते हैं कि वो उसने ऐसे कपड़े पहने हैं, ऐसे उसने खाया है, तो हम क्यों नहीं करते। हमारे पास वसाइल नहीं होते, हम दूसरे को देखते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हम कहते हैं यूरोप में ऐसे हो रहा है, और यहाँ से हम ऐसी दलदल में फंसते जा रहे हैं। जो हम हमारे हमने चूँकि बड़ा ये जो 20-25 साल में बहुत रैपिड चेंज आई है, ये पहली 2-3 सदियों में भी नहीं आई आई हुई। हमने अपने से बड़ी जनरेशन देखी है, उसके बाद हम है, उसके बाद हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फर्क है। और हम इस तरक्की के नाम पे, हकूक हासिल करने के नाम पे लाजमी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मसाइल हमारे घरों के, हमारे माशरे के बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर आफ्ता ने कहा है, कि जिस तरह के इस्लाम ने औरत को एक तकद्दस या मकाम दिया है, अगर हम उन्हीं लिमिटेशन में रहें तो हमारा माशरा भी सही हो जाए, हमारे घर भी सही हो जाए। और आज जो हम कहते हैं ना, बंदा रात को सोया था जी, पता नहीं चला मर गया, ये बेसिकली परेशानी है। परेशानी ये नहीं होती बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाए, परेशानी ये भी है कि मैंने शाम को कपड़े किधर से इस्त्री करवाने, जो 100 रुपया लेता है, मैंने कल फंक्शन पे जाना है तो ये इतने 1000 का सूट आता है कहाँ। ये परेशानी है जो अंदर से आपको आहिस्ता खाते जा रही है, वालदैन को ज्यादा खा रही है, उसके बाद जब आप उस स्टेज पे जाएंगे तो आप भी देखेंगे आपको और खाना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि हमारी बहुत अच्छी पॉलिसीज है, हमारे बहुत अच्छे कवानीन है, नाकामी हमारी इम्प्लीमेंटेशन में है। चंद दिनों पहले पंजाबी का फंक्शन हुआ, अमीर मोहसन साहब ने करवाया, पंजाबी के स्पीकर बाहर से भी आए हुए थे, तो वही बातें आवाज थी कि हमें बच्चों को पंजाबी हमने पढ़ानी है जी, पंजाबी में तरक्की करनी है। तो मैंने एक ही सवाल किया, मैंने कहा क्या आप अपने बच्चे को कहेंगे पंजाबी में मैंने पढ़ाना है इसको, ये ऐसे स्कूल में दाखिल करवाना है जो अच्छा स्कूल ही पंजाबी पढ़ाए, वहाँ पे आपको भी पता क्या जवाब मिला होगा। वो इसीलिए कि हम जब तकारीर करते हैं, जब बातें करते हैं, तो हमारी हम अपने ग्राउंड रियलिटीज को नहीं समझते कि हमारे हालात क्या है। इसीलिए यहाँ पे हम नाकाम होते जा रहे हैं, हर दलदल में हम फंसते जा रहे हैं, हर बंदा हमारा परेशान है। इस कम्युनिटी के अंदर मैं कहता हूँ, कोई आज आपको खुश नजर आए तो आप समझे दुनिया का सबसे अच्छा आदमी और सबसे खुशकिस्मत आदमी वही है। 10 मिलों का मालिक है, वो भी शाम को 10 दवाइयाँ लेके सोता है आपके सामने है। हजारों अल्लाह की नियमतें सामने पड़ी होती है, हम खा नहीं सकते, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर, ये भी बात किस्मती है। इसलिए हमें माशरे में आगे बढ़ना है, पॉजिटिव सेंस के साथ बढ़ना है, और उन लिमिटेशन को मद्देनजर रखना है जो हमें इस्लाम ने बताई है, ताकि आपके वालदैन परेशान ना हो, ताकि आपका इस जिस कम्युनिटी के अंदर आप रहते हैं, माशरे के अंदर रहते हैं, उसमें परेशानियां ना बने, और थिंकिंग को पॉजिटिव करना। अगर हम अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कर ले, मैं एज ए टीचर, मैं कई दफ़ा मैंने जिक्र किया है कि कभी टीचिंग प्रोसेस, आज हम तनकीद करते हैं ना कि हम बच्चे, अगर जिस तरह आजकल बीएस के खिलाफ आते हो यार, बंदा क्रिटिसाइज करता है बीएस ने बच्चों को तबाह कर दिया, नस्ल को तबाह कर दिया, पढ़ाई हमारे में जान नहीं रही, जान क्यों नहीं रही। मेरा यकीन है कि अगर वो टीचर ये सोच कर टीच करे ना कि ये मेरे बच्चे हैं, तो कभी ये प्रोसेस फ्लॉप ही नहीं होता। अब हमारी सोच ही मुख्तलिफ है कि ये मेरा बच्चा है या किसी तांगे वाले का बच्चा है। मेरा बच्चा तो उधर डीपीएस में जा रहा है, बीकनो उसमें जा रहा है, ये यहाँ पे जो आ रहे हैं वही गरीब गुरबा के बच्चे। इसलिए हम ना तो यहाँ पे, आपकी स्टेट सेक्रेटरी ने कहा कि हमारे मेल परेशान है, यहाँ पे फीमेल के आने से कोई परेशानी नहीं है, वेलकम। मैंने आते 3 कमेटियां बनाई हैं फीमेल के हवाले से, मुख्तलिफ फीमेल को रखा है उसमें, उसमें वो कॉमन रूम अलहदा, वो भी इंशाल्लाह आज या कल पेंट होना शुरू हो जाएंगे, बाकी चीज़ें लग जाएंगी, तो वो कोई नहीं, आप हमारा हिस्सा है। आप मेल की नस्बत आपके हवाले से हम ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इसका कोई ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे तकरीर कर रहा हूँ, मेल की टेंशन नहीं है मैं स्टाफ मेंबर की जितनी फीमेल के हवाले से, इस तरह मेल स्टूडेंट की नहीं जितनी फीमेल की हमें होती है। तो यहाँ पे आपके सामने सुबह सबसे पहले मेरे घर आपका प्रिंसिपल ही आता है और सबसे आखिर में प्रिंसिपल ही जाता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप लोग, अगर ये मेल मेंबर्स का अदारा होता तो शायद मुझे टेंशन होती ना,
ना बड़े टाइम पर आता है, बड़े टाइम पर चला जाता है। अब मैं बकायदा यहाँ पर राउंड लगवा के गार्ड को बेच के अपने पीएन को बेच के इधर एक फीमेल अलहदा रखी हुई है जिसका काम ही 1 बजे से शुरू होता है कि तमाम यहाँ पे चेक करके आपने पूरे कॉलेज को फिर आपने ऑफ करना है। तो इसलिए आप इस इदारे का हिस्सा हैं। डॉक्टर साहब ने एक और कहा था ऑफिस में कि हम आप बंदों को भी साथ मेल को भी बैठाएँ कि उन्हें हम रियलाइज करवाएं कि सुरे क्या आपने चीज़ें पूरी करनी है। तो ये जो प्रैक्टिकली आप देखें बंदे ऐसा नहीं है कि बात नहीं मानते, बंदे बेचारे ज़्यादा ताबेदार हैं। तो इसलिए हमें समझाने की उनको ज़रूरत शायद इतनी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकली वो हर घर में किसी में सुख की ज़िंदगी है, किसी में थोड़ी सी मुश्किल है आपको पता है। तो इसके लिए मैं वही फिर बात कहूँगा कि अल्लाह से एक तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर जगह पे यानी सुकून रखे घरों के अंदर भी अदारों के अंदर भी, और दूसरा हमें खुलूस नीयत से आगे बढ़ना है, हमारी सोचें बदलनी चाहिए। आज़ादी या एक जो आप कहते हैं उस आज़ादी के बेशुमार जिस तरह एक स्पोर्ट डिक्शनरी की हवाले दी गई, वो तो हम आज़ादी नहीं चाहेंगे। हम आज़ादी वो चाहते हैं जो हमारा मजहब देता है, हमारा कानून देता है, और सबसे बड़ी कि जो हमारे वालदेन हमें देना चाहते हैं। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आप देखेंगे हम बहुत आगे निकलेंगे। तो गेन आप सब लोगों का शुक्रिया जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट भी बैठे हैं और आने वाले मेहमानों का, और इस तकरीब के जो ऑर्गेनाइज़र हैं कादरी साहब, हमीद मोहसन साहब, मैडम साहब, इनको भी लाजमी इनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकती, उन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में अरेंज किया। थैंक यू वेरी मच सर जी। बिल्कुल जैसे आपने कहा, ये हमारी तादाद में जो इजाफा है ये इस चीज़ को शो करता है कि हम यहाँ पर बहुत सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं। और आज तक एक छोटा सा प्रॉब्लम भी हमें आप लोगों की वजह से फेस नहीं करना पड़ा, बल्कि रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट है। और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, प्रिंसिपल साहब का, टीचर्स कम्युनिटी उनका, कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है यहाँ पर। और एक बात और जी, मेरे मुझे याद आ गई, जो खवातीन हमारी फीमेल कॉलेज से आई है इधर ट्रांसफर हो गए, उनके क्या रहा सुने के यहाँ पे क्या और उधर जिस बंदे ने रेजिस्ट करना है ना, मुजाहमत करनी है किसी गलत चीज के खिलाफ, वो फीमेल कॉलेज में हो या मेल कॉलेज, वही मैं कहता हूँ। तो अभी हमारी एक पता नहीं इधर बैठी है टीचर के नहीं है, बॉटनी में आई है, तो मैं कहता हूँ कि फीमेल की निस्बत मेल में ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया। आप अगर जाके देखें तो चूंकि मैं मेरे पास फीमेल कॉलेज मेल सारी वो डिवीजन के बल्कि 2 डिवीजन के रहे, तो फीमेल फीमेल से बहुत तंग है, इतनी मेल कॉलेज में बहुत ज्यादा आसानी है। तो चले जी, अल्लाह ताला आसानी पैदा करे जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, कि खवातीन ही खवातीन को आसानियां नहीं देती, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं आखिर में दुआ के लिए डॉक्टर आपदा को बुलाऊंगी, इधर आए और दुआएं कैद करवाएं, और एक दफा फिर आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, दुआ कराना, थैंक यू वेरी मच। आई वुड से आई वुड ट्राई माय बेस्ट एक्चुअली। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما سب سے پہلے تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پیشتی ہوں اور اس کے بعد میں یہ دعا مانگتی ہوں کہ ہم نے یہ جو ایونٹ کنڈکٹ کیا ہے इसके हम अच्छे नतज मिल सकें और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम
आने वाले मेहमानों का, प्रिंसिपल साहब का, तमाम तालबात का, जो बहुत ही